कहा जाता है हनुमान जी ने समुद्र तट से श्रीलंका के लिए जो छलांग लगाई, वो छलांग लगाते समय जो उनका पोस्चर था, वो पोस्चर हनुमान आसन कहलाया। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस बात पर ना जाकर हम आसन के क्या फायदे हैं, क्या टेक्निक्स हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, इस बात पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन कश्यप, आप सभी का मंथन योगा में स्वागत है। दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने शिष्यों को वो गलती ना करने दे। मेरे ओवर ट्रेनिंग या ओवर स्ट्रेचिंग करने के बाद मेरे लेग का मसल पुल हुआ और मसल पुल होने के बाद भी मैं ओवर स्ट्रेचिंग ओवर ट्रेनिंग करता रहा। आप ये गलती ना करें, इसलिए मैंने हनुमान आसन या स्प्लिट करने से पहले कुछ आसनों या स्ट्रेचिंग को डिजाइन किया है। आप पहले इन आसनों का हनुमान आसन करने से पहले अच्छे से अभ्यास करें, उसके बाद ही हनुमान आसन या स्प्लिट का अभ्यास करें। सबसे पहले मैंने अपनी लिस्ट में फ्रॉग पोज यानी मंडूकासन को रखा है। ये बहुत ही बढ़िया आसन है। ये आसन हिप्स जॉइंट को खोलने के साथ साथ लोअर बैक पेन या स्लिप डिस्क वाले रोगियों के लिए भी बेहद अच्छा आसन है। इस आसन में 30 सेकेंड कम से कम होल्ड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे होल्ड करने का समय बढ़ाते जाएं। जिनके लेग्स ज़्यादा स्टिफ हैं, उन्हें शुरू में इस आसन को करते समय थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो इस आसन को करने के बाद इस आसन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दोनों हाथों और हिप्स को आगे की तरफ लाते हुए जमीन पर लेट जाएं। अब परिघासन आसन में आ जाएं। यह आसन आपके हिप्स जॉइंट और हैमस्ट्रिंग को खोलता है। दोस्तों, परिघासन या गेट पोज सिर्फ इतना ही होता है, पर आप धीरे धीरे अपने घुटने और पैरों को स्ट्रेच करते जाएं और होल्ड करें। होल्ड करने के बाद इस आसन से निकलने का भी वही सेम तरीका है जो फ्रॉग पोज का है। अब थर्ड आसन अर्धचंद्रासन, जिसे हाफ मून पोज भी कहते हैं। इस आसन की कुछ वेरिएशन भी है जिससे हनुमान आसन या स्प्लिट करने में काफी हेल्प मिलती है। यह तीनों वेरिएशन में कम से कम 30 सेकेंड का होल्ड करें। ये तीनों वेरिएशन करने के बाद आ जाइए फोर्थ आसन पिजन पोज यानी राजकपोत आसन में। राजकपोत आसन एक मल्टी आसन की तरह है जो न केवल आपके हिप्स मसल्स ग्लूट्स को ही खोलता है, बल्कि हैमस्ट्रिंग और क्वाड मसल को भी खोलता है। ये चारों आसन का अच्छे से अभ्यास करने के बाद तितली आसन यानी बटरफ्लाई में आ जाएं। कम से कम 5 मिनट तक बटरफ्लाई का अभ्यास करने के बाद अब इसी का वेरिएशन है अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा उठाते हुए कमर से सामने की ओर झुके और जितनी देर तक पॉसिबल हो होल्ड करने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। 3 से 4 बार होल्ड करते हुए तितली आसन वेरिएशन को दोहराएं। अब नेक्स्ट आसन में आ जाएं। ये कोई आसन नहीं है, इसे बटरफ्लाई का ही वेरिएशन कह सकते हैं। ग्लूट्स को खोलने के लिए ये बेहद अच्छा आसन, बेहद अच्छा पोज है। अब अगले आसन गोमुख आसन, जिसे काउ पोज भी कहते हैं। ये आसन भी आपके ग्लूट यानी हिप मसल को खोलता है। गोमुखासन में आने के बाद अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर से सामने की ओर लाते हुए कमर से झुक जाएं। जितनी देर तक
होल्ड हो सके होल्ड करें। जैसे जैसे इस आसन की प्रैक्टिस अच्छी होती जाए, वैसे वैसे अपने नीज को एक दूसरे से क्रॉस करते जाएं। इन आसनों या स्ट्रेचिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएं सातवीं स्ट्रेचिंग साइड लंज में। दोस्तों, साइड लंज करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह जो इजी है और आप जानते भी होंगे। दूसरा, साइड लंज करते समय अपने मुड़े हुए नी को सामने की ओर ना करके साइड में करें। यह साइड लंज का एडवांस वेरिएशन है। नॉर्मल साइड लंज को करने के बाद ये साइड लंज का अभ्यास करें। इसके बाद फाइनली आ जाए हनुमान आसन या स्प्लिट में। ये सभी आसनों का अच्छे से अभ्यास करने के बाद हनुमान आसन बेहद आसान हो जाता है। इसलिए पहले इन सात आसनों का अच्छे से अभ्यास करें, तभी हनुमान आसन या स्प्लिट करने का अभ्यास करें। दोस्तों, ये थे वो सात आसन जिसका अच्छे से अभ्यास करने के बाद ही आपको स्प्लिट या हनुमान आसन का अभ्यास करना है। अगर इन सात आसनों के बाद भी स्प्लिट या हनुमान आसन में कोई समस्या आ रही हो तो आप योगा ब्लॉक या फिर पिलो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएं, योगा ब्लॉक और पिलो का इस्तेमाल भी बंद करते जाएं। दोस्तों, ये आसन कोई आसान आसन नहीं है। इसका रेगुलर और अच्छे से अभ्यास करते रहें और मुझे बताएं इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ है। अब बात आती है इस आसन के क्या फायदे हैं। ये बॉडी में इकट्ठे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, पेट की मसल्स को मजबूत कर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, पेट, थाई और हिप्स के फैट को कम करता है। ये आसन खासकर महिलाओं के लिए बेहद अच्छा आसन है। पीरियड से संबंधित सभी समस्याओं को दूर कर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही करता है। अगर प्रेग्नेंट महिला इस आसन का अभ्यास शुरुआती 3 महीने तक अच्छे से करती है तो डिलीवरी के दौरान होने वाले लेबर पेन को यह आसन कम करता है, स्टरिलिटी जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। अब किसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए? कमर और घुटने में दर्द वाले रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, हर्निया, मसल पुल और हिप्स डिसलोकेट की अवस्था में भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर करना ही पड़े तो योग शिक्षक या फिर डॉक्टर की राय लेकर ही इसका अभ्यास करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।